ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, सभी भगवान को अपने रक्षक के रूप में याद करते आते थे, अब वो स्वयं आकर हमारी रक्षा कर रहा है। ही हैज बिकम आवर सेवियर, ही प्रोटेक्ट्स अस। इसका फायदा उठाएं। भगवान न केवल साथी है लेकिन रक्षक भी है, ऐसा मान लें। वो हमारा बॉडीगार्ड है, हर परिस्थिति में, हर समस्या में, बीमारियों में, आपदाओं में वो हमारी रक्षा करता है और कर रहा है, करेगा। ये बार बार का अनुभव है कि उसकी मदद मिलती है, उसकी रक्षा मिलती है। कारों में जाते हैं, कई जगह वो हमें एक्सीडेंट से बचाता है। कहीं चोर लुटेरे होते हैं, वहाँ भी वो हमें बचा लेता है। कहीं प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, मकाने गिर जाते हैं, वहाँ भी वो हमें बचा लेता है। सचमुच वो हमसे बहुत प्यार करता है। हम उसके प्यार को महसूस करें, हम उसकी भावनाओं को समझ लें। वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें क्या देखना चाहता है। परंतु विचारणीय बात है कि कौन उसकी सुरक्षा के पात्र बनेंगे। विनाश काल में जब चारों ओर असुरक्षा का माहौल होगा, हर व्यक्ति अपने को इनसिक्योर और अकेला महसूस करेगा, तब सर्वशक्तिमान की रक्षा किसको प्राप्त होगी? किसके सिर पर वो छत्र छाया बनकर स्थित हो जाएगा? किसके चारों ओर वो पावरफुल कवच बना देगा? जिन्होंने लंबा काल उससे सच्चाई के साथ, वह फेथफुल होकर, वह लॉयल्टी के साथ और उसकी श्रीमत पर चलते हुए अपना संपूर्ण ब्राह्मण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन जिनके अंदर झूठ कपट है, जो बाबा का नाम तो लेते हैं लेकिन उससे सच्चे नहीं रहते, सिंसियर नहीं हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर की कुटिलता को नष्ट नहीं करते, जो पवित्र नहीं बनते, जो निर्मल और स्वच्छ नहीं बनते, उन पर न उनका प्यार बरसता है, न वो उनकी रक्षा के पात्र बनते हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, आने वाले समय में हमें उनकी मदद की बहुत आवश्यकता होगी। सच कहें तो उनकी मदद के बिना कोई भी मनुष्य जी नहीं पाएगा। बहुत लोग होंगे उन्हें पुकारने वाले, और बहुत ब्राह्मण होंगे उनके साथ का अनुभव करने वाले। पुकारने वालों को भी थोड़े वाइब्रेशन उससे मिल जाएंगे, लेकिन वो उसको कैच कर पाते हैं या नहीं, ये उनकी मनोस्थिति पर निर्भर करेगा। क्योंकि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान को याद करे, उसको पुकारे और भगवान उसको मदद न भेजे, लेकिन बहुत लोग उसकी मदद को कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। हम उसके ऐसे बच्चे बन जाएं कि जब वो हमें वाइब्रेशंस दे, जब वो हमें टचिंग दे, तो हम उसे कैच कर लें, उसे पकड़ लें और वैसा ही कर लें जैसा वो कहता है। जिन्होंने लंबा समय योग अभ्यास किया है, जिन्होंने बाबा को अपने प्यार में बांधा है, जिन्होंने उसके लिए कुर्बानी की है, तन मन धन लगाया है, उन पर वो प्रसन्न है, राजी है, मेहरबान है। बिना याद किए भी वो उनकी केयर करता है। एक तो है हम उसे कहें बाबा, लेकिन कभी हम भूल भी जाएं तो भी वो हमारी केयर करता है, सुरक्षा करता है। और जिन्होंने बहुत अच्छा योग किया है, उनको तो उसकी टचिंग हमेशा ही होती रहती है। वो उसके प्यार के, उसकी मदद के, उसकी सुरक्षा के पात्र बन जाते हैं। तो आज सारा दिन हम बाबा का आह्वान करेंगे,
और स्वयं भी याद करेंगे मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ और बाबा विश्व रक्षक है, हमारा भी रक्षक है। तो परम धाम से नीचे उतरते हैं, आह्वान करेंगे, सर्वशक्तिमान नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए। बस इस छत्र छाया में हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, ऐसा आज 10 बार अनुभव अवश्य करें। ओम शांति।